अच्छा, तो ये हमारे पास केपी एक्सरसाइज फर्स्ट चैप जो है, हमारे पास फिजिक्स का मेजरमेंट, उसकी एक्सरसाइज के एमसीक्यूज हैं, इनके हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज है कि व्हाट इज़ द रेडियन मेजर बिटवीन द आर्म्स ऑफ वॉच एट 5 PM। ओके, 5 PM तक हमें पूछ रहा है। मैं इसका एक मिनट नोट छोटा कर लेता हूँ। अच्छा, ये हमसे पूछ रहे हैं 5 PM तक। ओके, 5/12, 12 में से 5 बजे पर है। और हमारे पास पूरे रेवोल्यूशन में कितने हो रेडियन होते हैं, 2π रेडियन हमारे पास होता है। ओके, सो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 6 × 12। सो मेरे पास बन रहा है 5/6। 5 को मैं पाई से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ऑलमोस्ट मेरे पास 30 आएगा ना। 5 × 3 = 15 हमारे पास आएगा। सो नीचे 6 अगर मैं इधर मल्टीप्लाई करता हूँ, ये ऑलमोस्ट 2.6 के आसपास आंसर आते हैं। उसको जब मैं राउंड ऑफ करूँगा तो मेरे पास 3 रेडियन बनता है। ओके, 1 degree = सो 1 degree हमारे पास 0.01745 रेडियन के हमारे पास बराबर है। ठीक, अच्छा, हमारे पास है कि अगर इसको अगर देखना, हमारे पास 360 डिग्री होते हैं, वो हमारे पास 2π के बराबर होते हैं। इसमें 1 degree पूछा हुआ है, सो मैं मेरे पास 2 × 3.14 / 360। सो इसका ऑलमोस्ट हमारे पास ये वाला ऑप्शन बनता है, ये वाला। द मैट्रिक्स प्रीफिक्स फॉर दिस, प्रीफिक्स फॉर ये हमारे पास कितने 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 0 और 1 1 है ना, इन 10^-6 बनेगा। और 10^-6 हमारे पास क्या होता है, डीसी होता है ना पहले, फिर सेंटी, फिर मिली, और -6 वाला हमारे पास माइक्रो होता है। सो माइक्रो इज आवर करेक्ट ऑप्शन है। सही, हमारे पास आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, हमारे पास कौन सा करेक्ट वे ऑफ राइटिंग है। तो न्यूटन हम बड़ा नहीं लिख सकते, ठीक, ये मिली माइक्रो दो प्रीफिक्स इकट्ठे नहीं लिख सकते, ये वाला हमारे पास सही है। किलोग्राम मीटर क्यूब में हम फासला नहीं दे सकते। अच्छा, हमारे पास है क्या, स्टूडेंट मेजर अ डिस्टेंस सेवरल टाइम, द रीडिंग लाई बिटवीन 49.8 सेंटीमीटर एंड 50.2, दिस मेजरमेंट इज बेस्ट रिकॉर्डेड हैज। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जो रीडिंग है ना वो या 49.8 और 50.2 के दरमियान रह सकती होगी। सो हमारे पास जो ये क्या हम करें है ना, 50 में से अगर मैं 0.2 काटूँ तो ये 49.8 बनेगा, या डालो तो 50.2। सो ये वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। बाकी की इसमें हमारे पास 50 बनते हैं, 49.8 से कम आते हैं ना, अगर माइनस मैं करूँ तो 8 से तो कम नहीं आना चाहिए बिटवीन, ये भी गलत। 0.4 तो फिर बिल्कुल 53 पे चला, 49.8 में अगर 0.4 मैं काट दूँ तो 49.8 से कम आंसर आएगा, तो ये भी हमारे पास, और 50.2 से भी ज़्यादा आएगा। सही, अच्छा, 50.4 आएगा, ये भी हमारे पास फिर गलत हो जाएगा। अच्छा, द पर्सन अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट, अच्छा पर्सन अनसर्टेनिटी हम किस तरह करते हैं, पर्सन अनसर्टेनिटी लीस्ट काउंट हम लिखते हैं सही, 0.25 डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू 3.76 मल्टीप्लाई। सो ये करेंगे आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी, ये ऑलमोस्ट 6.6 आपके पास आती है। ओके, मैं एक मिनट कैलकुलेटर में कर लेता हूँ कितने वैल्यू हमारे पास, 0.25 डिवाइड बाय 3.76 मल्टीप्लाई 100। सो बिल्कुल आपके पास 6.64% आ रहा है। द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडी मेजर बाय थर्मोमीटर आर T1 दिस एंड T2, द टेम्परेचर डिफरेंस मैंने मालूम करना है, ठीक है। सो T2 − T1, पहले 50 में से 20 गए, एक तो 30 मेरे पास आ जाएगा, 30 तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है। जो इनका अनसर्टेनिटी होती है ना, ये हमारे पास हमेशा ऐड होती रहती है। सो 0.5 और 0.5 ऐड हो के हमारे पास 1 देंगे, है ना, 1.5 और 0.5 ऐड हो के हमारे पास 1 देंगे। सो 0 नहीं दे सकते, ये नहीं दे सकते, ये नहीं दे सकते, सी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अच्छा, 5.0 ± this × this, ये जब मल्टीप्लाई कह रहा है ना, ये दो तो हमारे पास मल्टीप्लाई होंगे, 5 × 3 = 15, इसमें भी 15 है, इसमें भी 15 है, इसमें। अब हमारे पास जो अनसर्टेनिटी होती है ना, वो हमेशा ऐड होती है हमारे पास, ठीक है। सो 4 और 3.3 ऐड होके 7.3 देंगे, सो बी वाला ऑप्शन मेरे पास करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, 2.0 m± 2.0%, अच्छा देखो ना, ये जो ऊपर क्यूब है, इसके ऊपर तो क्यूब आ जाएगा, 2 को मैं 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करूँगा, मेरे पास देखो 8 इसमें भी 8 इसमें भी 8 इसमें भी 8 इसमें भी। असल बात जो है ना, वो अनसर्टेनिटी पे क्यूब नहीं आता, जो ऊपर होते हैं ना वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी 3 × 2 = 6। सो 6 की इसमें हमारे पास डी वाले ऑप्शन में है, सो हमारे पास डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर सही,
अच्छा हम नेक्स्ट पे चलते कि द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन मेजरमेंट दिस। सो इसमें तो ये ना सिग्निफिकेंट है ना ये है ना ये है। ओके ये भी सिग्निफिकेंट है, पॉइंट के बाद जो नॉन जीरो के बाद सिग्निफिकेंट जीरो होता है वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं, दो तीन चार पाँच छः। सो मेरे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, छः। हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर डज 1.362 प्लस 25.2 है। अब देखो ना इनको जब हम ऐड करेंगे, ठीक, इनको जब हम ऐड करेंगे एक तो हमारे पास क्या आएगा आंसर जो होगा ना वो लेस डेसिमल प्लेस के मुताबिक आएगा। इसमें लेस डेसिमल प्लेस कितना, एक। सो पहले मैं 25 को, अगर मैं 25 में एक ऐड लेट सपोज ऐड करूँगा वो कितना बन जाएगा 26, तो बनेगा ही बनेगा ना। और साथ में पॉइंट के बाद कोई एक और भी नॉन जीरो डिजिट होगा, सही, क्योंकि हमारे पास एडिशन का रूल है। सो दो सिग्निफिकेंट ये हो गए और एक ये हो गए, सो कितने मेरे पास सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, तीन सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। ओके अच्छा कंपेयर द रिजल्ट टू करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट दिस। अच्छा देखो ना एडिशन का रूल है, एडिशन के रूल में हमें पता है कि हम लेस डेसिमल प्लेस को देखते हैं, ठीक है। अब हमारे पास आंसर में भी एक डेसिमल प्लेस होना चाहिए, इसमें कोई डेसिमल प्लेस नहीं है, इसमें हमारे पास एक है ये हो सकता है, इसमें दो है ये नहीं हो सकता, इसमें तीन है ये नहीं हो। देखो हमने ऐड भी नहीं किया लेकिन हमारे पास आंसर आ गया, हमें रूल का सिर्फ पता होना चाहिए। ओके लेस डेसिमल था, मैंने लेस डेसिमल ढूंढा, डायरेक्ट मेरे पास ऑप्शन आ गए। अच्छा मेरे पास है 13 वाला, इफ 7.635 एंड दिस नंबर आर टू सिग्निफिकेंट नंबर देयर मल्टीप्लिकेशन सिग्निफिकेंट। अच्छा अब देखो मल्टीप्लिकेशन में जो रूल होते हैं ना और डिवीजन में, हमारा आंसर उसमें आता है जिसमें लेस सिग्निफिकेंट फिगर होती है। इसमें चार है, इसमें तीन है, सो हमारा आंसर तीन सिग्निफिकेंट फिगर में होगा। इसमें तीन नहीं है ये आंसर गया, इसमें भी तीन नहीं है, इसमें भी तीन नहीं है, इसमें तीन है। देखो मैंने मल्टीप्लाई भी नहीं किया लेकिन तीन सिग्निफिकेंट फिगर है, सो ये हमारे पास आंसर होगा। अच्छा द प्रिसीजन ऑफ द मेजरमेंट, इसका प्रिसीजन क्या होगा, जितने भी यहाँ पे ना यूनिट टेंस हंड्रेड जो ये नॉन जीरो डिजिट आ रहा है ना यहाँ तक इसका होगा यहाँ पे हमारे पास। सो ये कितना हो रहा है 1000 और ये किलोमीटर है, सो 1000 किलोमीटर हमारे पास प्रिसीजन इसका होगा, ठीक। एम जीरो एल जीरो टी जीरो आर द डायमेंशन ऑफ, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है हमारे पास, इसका भी नहीं है। सो डी आल ऑफ दीज हमारे पास, इन सारों का डायमेंशन नहीं है हमारे पास, ठीक। अच्छा द डायमेंशन ऑफ टार्क, ये हमने लेक्चर में भी अपने पढ़ा है, हमने बाकी एमसीक्यूज भी मेजरमेंट वाले सॉल्व किए तो उसमें भी हमने पढ़ा था, क्या था कि जो टार्क का डायमेंशन होते हैं सेम हैज वर्क, सेम हैज हीट, सेम हैज काइनेटिक एनर्जी, सेम हैज पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट इज इक्वल टू ML2T-2 हमारे पास। सो ML2T-2 ये देखो सी वाला ऑप्शन हमारे पास बनते हैं। सो ये हमारे पास एक्सरसाइज के MCQs थे, इनकी हमने डिस्कशन कर ली। ओके okay?